Hello everyone, this is Milly Chauvé and you're catching me on India News News X. And today we have a guest with us is none another than Vishal. So Vishal, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कैसे हैं? और अच्छा, थैंक यू फॉर हैविंग मी मिली. विशाल, आपकी नई शो आ रही है, वेब सीरीज आ रही है धर्मेटिक प्रोडक्शन की. हाँ, तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज इसमें काफी बड़े बड़े स्टार्स भी है. हमने जो ट्रेलर देखा है तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा. अच्छा ही होना था और अच्छा ही हुआ, क्योंकि थर्मेटिक जैसे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने मिला, इतने सारे बड़े एक्टर्स के साथ काम करने मिला जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, नसीर सर, इमरान सर, राजीव सर, एवरीवन. तो इस एक्चुअली इस पूरे कास्ट में मैं सबको सर या मैम ही बोलता हूँ. और ट्रेलर लॉन्च के दिन भी इमरान सर, राजीव सर ने थोड़ा एक्सप्रेस किया कि यार सर क्यों बोलते हो यार तुम. नर्वसनेस लगा क्योंकि इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ आपने काम करा, बिल्कुल तो आपको नर्वसनेस था बिल्कुल कुछ? जब पता चला कि ये सब हैं तो एक एक्साइटमेंट था कि हम सेट पे मिलेंगे, कैसे मैं अपने आप को कंडक्ट करूंगा. जब मिले तो थोड़ा इंटिमिडेटिंग होता है, बिकॉज इमरान सर कम्स विद अ सेट ऑफ ऑरा, राजीव सर इतने टाइम से है, ही कम्स विद हिज सेट ऑफ पर्सनैलिटी, सेट ऑफ, ही इज अ वेरी कलरफुल गाय दैट वे. बट वो भी काफी, बोथ ऑफ देम हैव दिस काम एनर्जी अबाउट देम, काफी इन्वॉल्व रहते हैं सीन में और काफी काम एनर्जी के साथ आते हैं. तो दैट आई टुक अवे फ्रॉम देम ऑल्सो, कि दिस वॉज माई वन टेक अवे फ्रॉम देयर वर्किंग विद देम, कि हाँ सेट पे एनर्जी कंजर्व करो और ध्यान दो क्या चल रहा है. आप अपने रोल के बारे में बताइए कि आपका इस मूवी में क्या रोल है, इस वेब सीरीज में क्या रोल है? पृथ्वी सिंह प्ले करता हूँ मैं, एंड पृथ्वी इज अ वेरी हार्डवर्किंग गाय, वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, लेवल हेडेड पर्सनैलिटी. ही इज वेरी डेडिकेटेड टू वॉट ही डज, ही वॉन्ट्स टू बी अ राइटर इन बॉलीवुड, एंड इसने बहुत ग्राउंड लेवल से अपना काम शुरू किया है. और इसने इसने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है, छोटे से बड़े काम इसने किए हैं, बहुत ही लो लेवल पे जर्नलिंग जर्नलिज्म करके, न्यूज पहुंचा के, लोकल अवेयरनेस बढ़ा के, काफी कम्युनिटी के साथ काम करके इसने फाइनली ही हैज रीच्ड अ पोजीशन ऑफ क्रिएटिव प्रोड्यूसर इन अ वेरी बिग स्टूडियो कॉल्ड विक्ट्री स्टूडियोज. रघु खन्ना से बहुत क्लोज है ये, काफी क्लोजली काम करते हैं, एंड ही इसके पर्सनल लाइफ में महिका नंदी है जो इसकी पार्टनर है, गर्लफ्रेंड लवर, एंड इन दोनों में the problem in Prithvi's life comes जब उसे वो पर्सनल और प्रोफेशनल decisions के बीच में फंस जाता है, क्योंकि महिका is at one end and Raghu is at one end. So how he tackles that and क्या chaos उसमें जाता है, क्या madness होती है उसमें, that you will see or how Prithvi goes about in his journey. ये तो आपके कैरेक्टर के बारे में बात हो गई, लेकिन जितना मैंने ट्रेलर देखा है उसके अकॉर्डिंगली तो ट्रेलर में यही दिखाया गया है कि लाइक बॉलीवुड से रिलेटेड, लाइक बॉलीवुड का जो रियलिटी होता है उसको लेकर के इसमें बहुत बात की गई है. तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, इसमें एक डायलॉग भी बोला गया है कि बॉलीवुड बाहर से जितना चकाचौंध भरा है उतना ही अंदर से इसमें अंधेरा है, तो इसमें कितनी रियलिटी है. और वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू एड इन दिस कि हमेशा मतलब इस टॉपिक को लेके बॉलीवुड में काफी मूवीज और सीरीज बन चुकी है, तो आप इस मूवी में, इस सीरीज में क्या डिफरेंट देखी? आई डोंट थिंक सो बॉलीवुड सो टू स्पीक पे ऐसा कुछ बनाया. हाँ, ऑफ कोर्स द सोशल एस्पेक्ट ऑफ बॉलीवुड पे जरूर बनी है, द सोशल क्लब ऑफ बॉलीवुड पे, हाँ पिक्चरें और बहुत सारी ऐसी चीजें बनी है. बट व्हेन इट कम्स टू what actually Bollywood is a motion picture fraternity who releases movies and ye sab. So this is going to be a story about that and how people who are jo industry se related nahi hai wo kaise involved hote hain, and they play a very integral role, how journalism affects Bollywood,
how people from outside have come into this industry, made a name for themselves, and are driving the culture of Bollywood. How the power game is happening at the very cream of Bollywood, और कैसे डायरेक्टर्स सोर्स किए जाते हैं, कौन से डायरेक्टर्स क्यों चूज किए जाते हैं, कौन सा एक्टर क्यों चूज किया जाता है. तो आई थिंक ये सारे एस्पेक्ट्स, मैं टॉप ऑफ द हेड जो आ रहा है वो अभी बोल रहा हूँ, सो ये सारे एस्पेक्ट्स शो में दिखाए जाएंगे. एंड आई डोंट थिंक सो ये सारे एस्पेक्ट्स किसी और शो में दिखाया गया. एंड दैट्स व्हाट न्यू, दिस इज समथिंग न्यू इन दिस शो. विशाल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप भी आउटसाइडर हो, बॉलीवुड के नहीं हो, तो आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो कि हाँ, नेपोटिज्म और समथिंग लाइक दिस की, क्योंकि जैसी बात होती रहती है हमेशा, और आजकल ये वर्ड काफी ज्यादा चल भी रहा है कि नेपोटिज्म नेपोटिज्म, तो हैव यू एवर फेल्ट दिस कि हाँ, नेपोटिज्म है और समथिंग लाइक दिस? यार मुझे तो कभी नहीं फील हुआ ऑनेस्टली, बिकॉज हाँ लाइक यू सेड कि आई हैड नो बैकग्राउंड इन द इंडस्ट्री. कोई ऐसा था नहीं, नो गॉडफादर फिगर और एनीथिंग. और नॉट ओनली इन बॉलीवुड, मैं सीरियल टीवी इंडस्ट्री की भी बात करूंगी, लाइक दोनों जगह पे आपने काम करा है, तो आपने कभी ऐसा फील किया है? नो आई डोंट थिंक सो. आई थिंक यार ऐसा ही है कि आप जब आते हो ना तो काम ढूंढते हो, सीधा ऑफिस ऑफिस में जाते हो, ऑडिशन देते हो. एंड लकीली मैंने ऑडिशन दिया, लोगों काम अच्छा लगा, इसलिए आई गॉट द प्रोजेक्ट. और हाँ सी, सम प्रोजेक्ट्स यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि सम मूवीज प्रोजेक्ट्स कुछ कुछ बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड होती हैं. अगर वो बिजनेस ओरिएंटेड नहीं चलेंगी तो पैसे कैसे आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो फिर आप कैसे दूसरा क्या बनाओगे. तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होती हैं जिसमें यू नीड टू हैव दोज नेम्स हु कैन पुल इन दैट अमाउंट ऑफ मनी. एंड ओवर द इयर्स अ पर्सन लाइक कैन मी ऑल्सो रीच देयर. आई मीन आई डोंट हैव टू गिव माई एग्जाम्पल, पीपल हैव रीच देयर. टूडे वी सी एक्टर्स हु आर नोवेयर रिलेटेड in the industry and have come and are big stars today. तो है ऐसा नहीं है कि nepotism, nepotism है. ये वर्ड मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है ऑनेस्टली, कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर आपकी जान पहचान है तो बिल्कुल यूज करिए. मैं तो इन हूं उसके लिए. अगर आज मेरे पास कुछ होता रिसोर्सेज, मैं बिल्कुल यूज करता. यूज इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे जिससे आपका टैलेंट इन वॉट एवर डिपार्टमेंट, आप एक्टर हो तो ऑफकोर्स आपका एक्टिंग, अगर आप एक प्रोड्यूसर हो प्रोड्यूसर, अगर आप एक सीए हो तो आपका अकाउंटिंग स्किल्स आपके आपने रिसोर्सेस को बढ़ा देगा. सीए की बात की है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एट द इनिशियल ऑफ योर करियर आप सीए बनना चाहते थे, तो लेकिन ये सीए से एक्टर का ये जर्नी रहा है, वो कैसा रहा आपका? तो मैं आई जस्ट करेक्ट वन पॉइंट कि मैं सीए बनना नहीं चाहता था. क्योंकि आई थिंक वो आई रेड भेड़चाल, समवेयर दैट यू वांटेड टू बिकम एक अ सीए. एक भेड़चाल होती है ना यार. उस समय सोच नहीं थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, उस समय ऐसी सोच नहीं थी कि मुझे ये करना है. स्कूल के बाद आई मीन एवरीबडी वाज डूइंग सीए, सभी सीपीटी का एग्जाम दे रहे थे. Then you also तो choose in that thing, yeah, I just हाँ want to do a हाँ CA. यार सही है. 11th 12th में अपना अकाउंट्स अच्छा था ही, इकोनॉमिक्स में मजा आता ही है, और सीए वही है, ठीक है अच्छी कर लेते हैं, तो कर लिया. बट जब सीपीटी की तैयारी हो रही थी तो यही चल रहा था कि यार ये सब तो पढ़ा हुआ है, हाँ ठीक है. फिर धीरे धीरे वो इंटरेस्ट लूज हो गया कि यार ये तो कुछ नया नहीं है. मतलब फिर मैं लोगों को देखने लग गया आसपास के, यार नहीं मुझे ऐसा तो नहीं बनना यार, मैं ऐसा सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा. मतलब ये 2 दिन 2 साल भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा मैं इस लाइफ के साथ. तो देन आई टुक अ ईयर ब्रेक. 1 साल ब्रेक के बाद मैंने डिसाइड किया, वो भी बहुत ही ऐसा रैंडमली, कि हाँ एक्टिंग करेंगे. ऑफ कोर्स आई वाज ऑलवेज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज इन स्कूल कॉलेजेस, तो वो एक आपके अंदर पहले से था कि हाँ, हाँ कि हाँ पता है कि क्या होता है. बट कमिंग टू बॉम्बे वॉज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. अच्छा, व्हेन यू शेयर दिस कि आई जस्ट वांट टू परस्यू माय करियर इन एक्टिंग एंड आई एम स्विचिंग दिस कि मेरे को सीए और एजुकेशनल फील्ड में नहीं जाना है, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? मेरे घर वालों का बहुत ही कैजुअल रिएक्शन था एंड दे वर वेरी सपोर्टिव दैट, बट दैट्स व्हाट आई मीन.
कि अच्छा ये करना है, ठीक है। हाँ वो थोड़े से थे, बाद में उन्होंने बताया मुझे कि उस समय दे डिड नॉट से एनीथिंग। बाद में जब मैं बॉम्बे आ गया, काम करना शुरू कर दिया, तो एक खुशी हुई उनकी कि चलो फाइनली ही इज लैंडेड समवेयर। क्योंकि सीए के पहले भी मैंने 11th में साइंस लिया था, मतलब और हाँ, तो मैं बायोटेक करना चाहता था तब बायोटेक सी एंड देन लास्टली यू लैंडेड इन एक्टिंग फील्ड. तो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से देखा है कि ये जिद करता है कि ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, फिर छोड़ देता है, फिर ये करूंगा ये करूंगा, फिर छोड़ देता है। ऐसे 3-4 बार हो चुका था मेरी लाइफ में, और मुझे रियलाइज नहीं हुआ था, मेरे पेरेंट्स को हुआ था। तो अब फिर सी बायोटेक भी छोड़ दिया, दे वर वेरी सैड, सीए छोड़ दिया, फिर एक्टिंग के लिए हाँ बोला। तो उन्होंने सरप्राइजिंगली कुछ बोला नहीं, दे वर सपोर्टिव। इवन दो जब मैं बॉम्बे आया तो एक्टिंग कोर्स के लिए कुछ एक अमाउंट चाहिए होता है, कभी 1.5-2 लाख रुपए चाहिए होते हैं फॉर 3 मंथ्स। तो दैट वॉज डिफिकल्ट फॉर माई पेरेंट्स टू अरेंज दैट टाइम, बट दे अरेंज हो गया, अरेंज करके करा लिया। दे डिड नॉट से अ वर्ड टू मी कि कैसे अरेंज किया है वो, बट लेटर आई गॉट टू नो कि आप बाहर से लिया थे। बट आई एम सरप्राइज, मतलब आई एम एवर सो ग्रेटफुल टू देम कि हाँ भाई कोई, दे वर सो सपोर्टिव, देर वॉज नो बैकलैश। आई थिंक दैट्स वाई मैं भी साफ क्लियर माइंड के साथ काम कर पाया। वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू विशाल. लाइक आपने छोटे पर्दे पे भी काम किया है एंड नाउ यू स्विच इन मूवी इंडस्ट्री, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? और आप ओटीटी पे काम कर रहे हो, तो लाइक सीरियल्स में छोटे पर्दे पर और ये ओटीटी पर काम करने में क्या डिफरेंस आता है? डिफरेंस आई थिंक प्रेपरेशन का है, कि डिफरेंस प्रेपरेशन का और टाइम का है। कि जिसको आप ज्यादा टाइम दोगे वो उतना अच्छा होगा। टीवी में थोड़ा टाइम कम रहता है प्रेप का, और आप प्रेप कर भी नहीं सकते हो टीवी में ज्यादा, क्योंकि आपको स्टार्ट और एंड नहीं पता है। आपको एक बेसिक ब्रीफ दिया जाता है कि आपको टीवी में बताया जाता है कि कहानी यहां से शुरू होगी, आपको ये नहीं बताया जाता कि कहानी कहाँ जाएगी 3 मंथ्स डाउन द लाइन। क्योंकि टीवी एक्ट, जब हम टीवी उठाते हैं प्रोजेक्ट, तो उसमें हमें ये पता होता है कि कहानी 3 महीने की हमें पता होती है, और मेन कहानी वहीं से शुरू होती है 3 महीने बाद। तो प्रेप का आई थिंक प्रेपरेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड प्रेपरेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज टाइम ज्यादा होता है वेब में। आपको स्टोरी शुरू से अंत तक पता होता है, आप कैरेक्टर आर्क बना सकते हो, और हर एक सीन शूट करने के लिए आपको डिलीवर करना है कुछ क्या, 6 महीने बाद 8 महीने बाद, एक 5 एपिसोड, यहाँ पे आपको हर रोज डिलीवर करना है 20 मिनट। तो वो एक फर्क पड़ जाता है। आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग, उसी में सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्वालिटी डिफरेंस, एक्टिंग डिफरेंस, ओवर द टॉप है, अननेचुरल है, और ये इतना सटल है, बस यही डिफरेंस है। आजकल रियलिटी शो काफी ज्यादा चल रहा है, तो इन फ्यूचर आपके फैंस आपको रियलिटी शो में देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिग बॉस और समथिंग एल्स. यार बिग बॉस तो यार अब मैं आई थिंक इतना खुलेआम तो मैं बोल ही सकता हूँ कि नो, यार बिग बॉस बहुत अच्छा होगा बट मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं जा सकता उधर, मेरी हालत खराब हो जाएगी। मुझे मेरा मेंटल पीस बहुत अच्छा लगता है, एंड आई वुड लव टू मीट पीपल आउटसाइड एंड चिट चैट एंड गो टू होम, क्या हाउस पार्टीज एंड गो फॉर अ ट्रिप टुगेदर, बट वो बिग बॉस वाला सीन मेरे से नहीं होगा। एंड रियलिटी शोज में कभी मैंने ऐसे इंटरेस्ट, मेरे जागा भी नहीं, तो आई डोंट नो एक्चुअली, आई विल टेक इट एज इट कम्स आई गेस। थैंक यू विशाल, इट वाज सच अ नाइस कॉन्वर्सेशन विथ यू. और विशाल का नया वेब सीरीज आने वाला है डिज्नी पर, हॉटस्टार पर, जो कि 8 मार्च को रिलीज हो रहा है. और आप, हाँ, 8 मार्च को रिलीज हो रहा है, तो आप सभी जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये इंटरव्यू और साथ साथ विशाल की जो वेब सीरीज आ रही है वो कैसी लगी. थैंक यू विशाल. थैंक यू सो मच।